हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, साफ सुथरा घर किसे पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि उनका घर हमेशा चमकता रहे और उसमें मक्खी मच्छर का बिल्कुल नामो निशान ना रहे। खास तौर पर किचन में बहुत मक्खियां आती हैं, वो भी इस बारिश के मौसम में। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे किचन में आपको बहुत ज्यादा मक्खियां नहीं दिखेंगी। इस लिक्विड से आप किचन के टाइल्स की सफाई भी कर सकते हैं। ये जो किचन कैबिनेट्स है मेरे, इसे भी मैं इसी लिक्विड से पोंछती हूँ। तो हल्का सा ये लिक्विड स्प्रे करके फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिंजर है काफी इफेक्टिव है। आपके घर की साफ सफाई के साथ साथ इससे जो खुशबू बनती है उसकी वजह से घर में मक्खियां बिल्कुल नहीं आती है। तो चलिए बनाते हैं ये क्लिंजर। के लिए मैंने यहाँ पर नेफ्थलीन बॉल्स ली है, जो हम कपड़े वगैरह में यूज करते हैं, बस वही लेना है हमें। तो ये दो नेफ्थलीन बॉल को कूट कर मैंने इस तरह से इसका पाउडर रेडी किया है। तो एकदम बारीकी से कूट लीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसका पाउडर रेडी किया है। खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है जिसके वजह से घर में मक्खियां मच्छर बिल्कुल नहीं आते हैं। तो अब हम इस पाउडर को एक बॉटल में भरेंगे। कोई भी खाली स्प्रे बॉटल ले लीजिए और उसमें हम ये पाउडर भर लेंगे। तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स का हमने पाउडर रेडी किया था, इसे डाल लिया है मैंने। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ विनीगर। ये प्लेन व्हाइट विनीगर है जो हम कुकिंग वगैरह में भी यूज करते हैं। तो बस यही विनीगर ले लेना है आपको। करीबन 1/4 कप डालेंगे, 4 से 5 चम्मच डाल लिया है मैंने ये। और अब मैं इसमें गर्म पानी मिला रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, एकदम गर्म पानी मिलाना है आपको। तो हम इसमें 1 से 1.5 ग्लास भरकर एकदम गर्म पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, गर्म पानी डालने का रीजन ये है कि जो नेफ्थलीन का पाउडर है वो थोड़ा इसमें डिजोल्व हो जाएगा, जल्दी घुलेगा इसमें। और अगर आप इस पाउडर को पूरी तरह घुलना चाहते हैं तो आपको इसे बॉईल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बॉईल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गर्म पानी मिलाकर इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, बॉटल में इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा क्लींजर रेडी है। अभी भी आप इसमें दाने देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसे पूरी तरह से घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो आप या तो इसे उबाल लीजिए या इस तरह से गर्म पानी में इसे मिलाइए। और ये हमारा स्प्रे रेडी है। अब आपको इसे घर के हर वो कॉर्नर में स्प्रे कर देना है जहाँ मक्खियों का ज्यादा आतंक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे डोर के यहाँ पर काफी मक्खियां आती हैं, तो मैं दरवाजे के कॉर्नर में इस तरह से इसे स्प्रे कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, दरवाजे के किनारियों में स्प्रे कर देना है। जहां भी आपको लगता है कि मक्खियां बहुत ज्यादा आती हैं, उस एरिया में आपको इसे स्प्रे कर देना है। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हम इसे कहीं भी स्प्रे नहीं कर सकते हैं, आपको इसे कॉर्नर में ही स्प्रे करना है। तो ये देखिए, हर कॉर्नर में मैं स्प्रे कर रही हूँ। और मैं इसे पोछे में भी यूज करने वाली हूँ। तो एक ढक्कन इसे पोछे के पानी में मिलाकर आप इससे फ्लोर वाइप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मॉपिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इससे आप पोछा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, पोछा लगाने से फायदा ये है कि पूरे घर में इसकी खुशबू बने रहती है, जिसकी वजह से मक्खियां बिल्कुल नहीं फ्लोर पर आती हैं। और ये देखिए दोस्तों, अभी तक ये डिसॉल्व नहीं हुआ है। ये देखिए, नीचे जाकर बैठ जा रहा है पाउडर। तो आपको इसको हर बार यूज करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लेना है ताकि ये मिक्स अच्छे से घुल जाए और फिर इसे यूज करना है। और अगर इसका पानी खत्म हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। अगर आपको पूरा डिसॉल्व मिक्सचर चाहिए, घुला हुआ मिक्सचर चाहिए, तो आप इसे थोड़ा सा उबाल लीजिए। कपूर का जो पाउडर है वो इसमें पूरी तरह से मिल जाएगा। ये जो क्लींजर है, ये आपके फ्लोर को डिसइंफेक्ट भी करेगा, साथ ही साथ मक्खी मच्छरों को भी भगाएगा, जिसे आप खुद आजमा कर देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।